वेलकम टू माय चैनल दिव्याज ब्लॉग्स एंड आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली अभी तबीयत नहीं सही थी और थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था यहाँ पे, तो बस आप समझ सकते हैं अब मैं के आई हुई हूँ तो थोड़ा सा बिज़ी हो गया अपना बातचीत में सबके साथ में, फैमिली के साथ में, तो बस उसी लिए टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा चलो अब ब्लॉगिंग करती हूँ। तो अभी हम लोग गए हुए थे, एग्जीबिशन टाइप का एक लगा हुआ था यहाँ पे, तो निष्ठी का बड़ा मन था मम्मा चलो वहाँ पे, मैं झूला होगा, झूला झूलना था इसको, बस वही हम लोग लेके आए हैं। और ये देखिए इस शरद महोत्सव के नाम से लगा हुआ है। एक्चुअली तो बस ज़्यादा कुछ नहीं था, अभी लग रहा था स्टार्टिंग हुई थी, अभी 2-3 दिन हुए थे, तो बस हम आ गए। फिर हमने कहा चलो बाद में आ पाए नहीं आ पाए चलो दिखा लाते हैं इनको, तो वही इसको झूला झूलना था अपना। और थोड़ा बहुत हम लोग भी यहाँ थोड़ा बहुत घूमे, मम्मी के साथ आए थे, भाभी भी थी हमारी, निष्ठी थी और काव्यांश था। यहाँ पर देखिए शॉप्स भी लगी हुई, देखिए भाभी है मेरी, और यहाँ पर देखिए शॉप्स ये लगी हुई हैं, जैकेट्स वगैरह यहाँ पर, कोट हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे थे। और आप जानते हैं बहुत ही प्राइस तो बहुत ही कम थे, बस ये सब ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे हम लोग। निश्चित झूला झूल रही थी, उसको झूला झूला रहे थे, तो मम्मी है ये देखिए मेरी, बस यहाँ पे देखिए मम्मी कह रही देखो कितनी अच्छी जैकेट है, बस वही सब हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। और फिर अपना थोड़ा बहुत जो कुछ शॉपिंग करनी थी वो करी, फिर हम लोग घर वापस आ गए। हम लोग चारों तरफ घूम रहे थे, निष्ठी इधर, निष्ठी को तो बड़ा मन था मम्मी आइसक्रीम खिला दो क्योंकि आइसक्रीम है और बच्चों की चीज़ें लगी हुई थी खाने पीने वाली, लेकिन हमने कहा नहीं आजकल टाइम सही नहीं है तो बस ये सब यहाँ पे नहीं खाना, बाहर खिला दूँगी। एक्चुअली क्या एग्जीबिशन वगैरह में खाने अच्छा नहीं लगता, मतलब वहाँ पर इतना अच्छा नहीं रहता तो खाना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है ऐसा, तो बस मैंने नहीं खिलाया उसको। और मम्मी देखिए जैकेट कोट वगैरह के शॉप पर हैं, देख रही हैं, भाभी भी चूज़ कर रही हैं, उनको कुछ अच्छे लग रहे हैं कुछ छोड़ दे रही हैं, बार बार यही हम लोग कर रहे हैं, फिर इधर दूसरी शॉप पे जा रहे हैं, बस इन्जॉय कर रहे थे, इन्जॉय करने के लिए आए थे। मज़ा आती है वैसे, हम लोग भी छोटे थे तो बड़ा एग्जीबिशन में जाते थे, बच्चों को बड़ी मज़ा आती है वहाँ पे घूमते हुए। और निष्ठी का क्या हुआ, निष्ठी ने अपना झूला झूल लिया तो बस उसको तो फिर चलो मम्मी चलो नानी करने लगी। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस किस को एग्जीबिशन में जाना पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या झूले झूलना और ये सब ऐसे घूमते रहो, शॉप्स वगैरह देखते रहो, अच्छा लगता है यहाँ पे। और झूले यहाँ पे अभी बड़े वाले नहीं थे वरना मैं भी झूलती क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है झूला झूलना। ये देखिए यहाँ पे निष्ठी जा रही है मिक्की माउस झूले के पास। एक्चुअली पहले इसने बोला कि मुझे मिक्की माउस वाला झूला जो है इसमें झूलना है, बट जब मैंने टिकट ले लिया तो फिर बोल रही है नहीं नहीं मम्मा इसमें नहीं झूलना। एक्चुअली क्या शुरू से ही छोटी थी तब से ही मिक्की माउस वाला देख के ही डरती थी, शुरू से ही नहीं झूलती थी। अब इसने खुद ही सोचा कि मैं झूलूंगी अब इस बार, लेकिन फिर जब वो गई पास में जब उस पर चढ़ने लगी तो नहीं नहीं रोने लगी, फिर मुझे नहीं जाना उस पर, फिर दूसरा वाला जो झूला है उस पर फिर इसने झूला। मिक्की माउस वाले पे नहीं बैठी, फिर इधर आ गई बाइक वाले पे, मुझे ये अलग करना है। तो अभी क्या एक्चुअली बच्चे भी यहाँ पे कम थे तो बस निष्ठी वाले झूले पे बैठ गई, और उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, इस पर अकेले बैठी थी मज़े से तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी स्टार्टिंग थी तो ज़्यादा झूले आए नहीं थे तो बस निष्ठी वाले पे बैठ के इन्जॉय कर रही थी, फिर कहती मम्मा आप नहीं झूलना है, बस हो गया दूसरे मिक्की माउस वाला उसने झूला ही नहीं था, तो बस वही निष्ठी ने भी इन्जॉय कर लिया झूला झूल के। बस हम अब एग्जीबिशन घूमने के बाद यहाँ पे घर पे आ गए थे, तो बस और काव्यांश की मस्ती चलने लगी थी। काव्यांश आजकल चेयर राइडिंग बहुत अच्छी लग रही है उसको, तो बस वो नाना, एक तो नाना करवाते रहते उसको, नाना के साथ करता रहता चेयर राइडिंग है, देखे कैसे कर रहा है उसको, पीछे से हल्का सा पुश करो तो अपने आप ही आगे बढ़ता है पूरी चेयर ले कर, जब तक आगे स्टॉप नहीं होगी चेयर चलता रहेगा, और फिर मतलब चिल्लाएगा कि जो फिर से मतलब टर्न करो फिर से चलाए,
तो बस उसको बड़ा अच्छा लगता है। एक तो उसको मन करता है अब कि बस मैं चलूँ, पकड़ के कोई मुझे चलाए, तो चलने का बहुत मन करता है। तब ये वो पकड़ पकड़ के खड़ा भी होता है वो, तो उसको आजकल चलने, अब वैसे भी 9 मंथ का हो गया है, तो अब वो हो सकता है बस नेक्स्ट मंथ चलने भी लगे। अभी चल तो नहीं पाता है अपने आप, तो बस यही देखिए इनकी चेयर राइडिंग चल रही है। और एक्चुअली ये क्लिप है, मतलब अभी मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो बस ये क्लिप उस दिन की ही है। करीब हो गए 7-8 दिन हो गए, अभी बहुत दिनों से मैं कर नहीं पाई थी, तो बस उस दिन की ही क्लिप है ये। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर चलाने के बाद बस उसको लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, तो नानू ने गोदी ले लिया और निष्ठी बार बार बीच में आ रही है, तो चला रहा तो उसे रोक दे रही है। देखिए निष्ठी का नया हेयर कट, आपने देखा निष्ठी का नया हेयर कट हो गया है, मैंने आपको दिखाया नहीं था, आप देख लीजिए। आप आगे से इसकी कटिंग हो गई है और बाल भी काफ़ी छोटे हो गए हैं। बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर हर तरीके के अच्छे लगते हैं। तो बस अब थोड़े दिनों बाद फिर से वही हो जाएंगे। तो कह रही थी मम्मा मेरा हेयर कट करवा दो, छोटी कर कर के बोर हो गई हूँ, तो बस वही मैंने करवा दिया था उसका हेयर कट। और ये देखिए इनकी बस, ये देखिए चेयर छोड़ के अब ये तखत पकड़ने की कोशिश कर रही है, तखत पड़ा हुआ तो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं इसको पकड़ लिया इसने। ये देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, और ये काव्यांश उठ के बस मस्ती इनकी चालू हो गई है। यहाँ पर देख रही, कभी इधर उधर कोई सो रहा होगा तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, निष्ठी सो रही होती है, जैसे निष्ठी देखे सो रही है तो उसके ऊपर चढ़ेगा, ये सब करता रहता है। यहाँ पे विंडो पूरी बड़ी सी बनी हुई बेड के पास, तो बाहर झाँकेगा, कभी कोई ना कोई उसको डॉगी वगैरह दिखते रहे तो झाँकता रहता है यहाँ से आराम से। बच्चों की तो ऐसी मस्ती चलती रहती है, डेली मॉर्निंग में ऐसे उठ जाता है और ये चाहेगा कि मेरे साथ कोई खेले, सबको उठाने के चक्कर में लगा रहता है। तो बस ये देखिए यहाँ पे किचन में आ गए थोड़ी देर के बाद, तो यहाँ पे मम्मी कट कर रही थी गोभी, तो वो गोभी के सब छिलके वगैरह यहाँ रखे थे, तो बस वो देखिए उठा के मुँह में लगाने लगा। और मटर के छिलके, तो कभी मटर के छिलके ले रहा है, कभी गोभी का ये टुकड़ा, इस तरीके से मस्ती चल रही है। कुछ भी ना मुँह में डालता रहता है, अदरक रखी होगी तो अदरक ही को मुँह में डालने लगे। एक्चुअली उसके प्रॉपर टीथ अभी आए नहीं है, अभी नीचे का एक टीथ हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो बस उसको ये लगता है हमें हर चीज़ मुँह में देनी है। उसको बहुत मतलब परेशानी हो रही, बहुत इरिटेशन हो रही है उसको टीथ की वजह से, अभी प्रॉपर आए नहीं। किसी किसी बच्चों के जल्दी आ जाते बट इसके अभी नहीं आए हैं टीथ, बस वही परेशान रहता है अभी। तो हर चीज़ उसको मुंह में लगता है कि देते रहे हम, कलछी चम्मच वगैरह कुछ भी दिख जाए उसको तो मुंह में लगाता है। आज का ये छोटा सा ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपके पास तुरंत पहुँचें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।